नमस्कार। बिहार चुनाव का ऐलान आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर नहीं बल्कि बिहार चुनाव को देखते हुए बनाए गए बीजेपी के नए मीडिया सेंटर की है। और ये मीडिया सेंटर बनाया गया है पटना के आर ब्लॉक पर मौजूद आलीशान चाणक्या होटल में। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि बीजेपी का ये नया मीडिया सेंटर किस तरीके से बनाया गया है। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी बिहार प्रदेश के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे। आप जैसे ही इस कॉरिडोर में आते हैं आपको तमाम बड़े नेताओं की आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आती है। आप तस्वीरों में देखिए कि महात्मा गांधी से लेकर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और तमाम दूसरे बड़े नेताओं की यहाँ पर तस्वीर आपको नज़र आएगी। और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर नज़र आएगी। अब आपको मैम मीडिया सेंटर के अंदर लेकर चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आने वाले दिनों में बिहार चुनाव तक बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक लाउंज भी बनाया गया है ताकि जो पत्रकार यहाँ पर आएंगे उनके खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी दिल्ली हाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लिट्टी और चोखा की दुकान पर गए थे और उन्होंने बिहारी व्यंजन का जो स्वाद चखा था उसकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देखते हुए ही ऐसी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार प्रेम है उसको आने वाले चुनाव में किस तरीके से पार्टी भुनाएगी। और यहाँ पर जो नारा दिया गया है वो आत्मनिर्भर बिहार का है, यानी कि कोरोना काल के बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर होने का जो एक नारा दिया था और उसको देखते हुए बिहार चुनाव में इस बार आत्मनिर्भर बिहार का ये नारा बीजेपी ने दिया है, जहां वो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीरों और काम की बदौलत बिहार चुनाव में एक जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।